हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है, और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पैतरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। कॉल काओ, ये पिछले 5 साल में 7वीं हाईजैकिंग है। व्हाट हैव वी डन टू स्टॉप इट? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। व्हाट इज हिज नेम? ओके, आई अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। व्हाट इज हिज कोड नेम? बेल बॉटम। शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर, यूपीएससी दिया है, गाना सिखाता है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोल और लिख लेता है। ये ले पहुंच, वरना पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाएगा। तो बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? दे आर द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस हाईजैकिंग। While we wait for the Pakistani diplomats and intel officers, raw operation ki taiyari kare. Ma'am, ab bache hue fuel se ye log Middle East ke 3 possible destination tak ja sakte hain: Dubai, Abu Dhabi and Muscat. Hamare paas mauka hai wo kar dikhane ka jo ab tak hua nahi. Kya kar sakte? A covert operation. Your deadline is sunset. Kya socha? Game on. मैं एम्बेसी के काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? कोची। No pause, no hesitation. मतलब सच बोल रहे हो? या फिर झूठ बोलने में माहिर हो गया हूँ? I love you. हमारी टीम रिफ्यूलिंग क्रू बनकर प्लेन के रिफ्यूलिंग डक पहुँच जाएगी। और अगर प्लान ए फेल हो गया, is there a plan B? Yes, army. इंडियन आर्मी दुबई में या किसी भी फॉरेन सॉइल में इट कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। मिनिस्ट्री को हैंडल करने दीजिए। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। हमारा मकसद है 210 हॉस्टेजेस को बचाना, और टारगेट है 4 हाईजैकर्स। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है। याद रहे, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार। पर शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया। बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर।